सिर्फ 40 रुपए में स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, यह स्टॉक एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है और साथ ही साथ रेगुलर डिविडेंड भी देता है। और आज का जो प्राइस है इस स्टॉक में, ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट बनती है यहाँ पे। तो इस स्टॉक की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्मार्ट नेशन, लेट अस बिगिन इन्वेस्टिंग मेड सिंपल विद सीए पुनीत जाजू। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से सीए इंटर एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए हैं नवंबर 2020 में, तो अन अकेडमी उन सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री पेपर एनालिसिस सेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एग्जामिनेशन को डिकोड कर सकते हैं 29 नवंबर को। अन अकेडमी की फाइनेस्ट फैकल्टी उन सभी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेगी। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अन अकेडमी का लिंक दिया है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेब पेज पे आएंगे जहाँ पे डिकोड पेपर एनालिसिस सेशंस फॉर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 नवंबर 2020 एग्जाम्स। अन अकेडमी की फैकल्टी इज वेरी वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी एजुकेशन। अकाउंट्स का पेपर डिकोड करेंगे राहुल मलकान सर, और लॉ का पेपर डिकोड करेंगे अंकित ओबेराय सर। सीएमए इंटर का पेपर रिव्यू करेंगे सीए सचिन गुप्ता सर, और टैक्सेशन पेपर को डिकोड करेंगे सीए जसप्रीत सिंह जोहर सर। आपको लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप उसको क्लिक करके आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन के मिलते हैं आपको बहुत से बेनिफिट्स। नंबर 1, अनलिमिटेड व्यूज। नंबर 2, 100% लाइव इंटरैक्टिव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस। नंबर 3, आप Q&A सेशंस में अपने सभी डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। नंबर 4, वन सब्सक्रिप्शन इज इनफ फॉर कंप्लीट सीए कंटेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉच द वीडियोस एनी टाइम एनीवेयर। देखिए, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 1728 करोड़ रुपए मार्केट कैप है, 1728 करोड़ रुपए करंट स्टॉक प्राइस है, लगभग 40 रुपए का, 40 रुपए से थोड़ा सा कम है स्टॉक का भाव, और हाई लो में प्राइस वेरिएशन थोड़ा 3 गुना से थोड़ा कम है। तो ये जो मार्च में जो डिप था, यहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी डिप था, हालांकि बाकी कंपनी से फिर भी बेटर परफॉर्म किया है स्टॉक प्राइस ने। स्टॉक पीई मल्टीपल है 18.2 का, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ये सस्ता स्टॉक नहीं है, फुल्ली प्राइस स्टॉक है, लेकिन आगे आने वाली ग्रोथ जो है इस स्टॉक को सस्ता बना सकती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपका अपना रहेगा, क्योंकि आप जो डिसीजन लेंगे वो बेटर रहेगा। और बुक वैल्यू से 5% का डिस्काउंट है, 42 रुपये 30 पैसे की बुक वैल्यू है इस कंपनी की। और कंपनी के शेयर होल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये देखिए, 48.9% है यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक। म्यूचुअल फंड्स में देखिए, लगभग यहाँ पे 2% का हिस्सेदारी है, और फॉरेन एफआईआईज और एफपीआईज यहाँ पे 34 हैं, जो 5 से कम हुआ है यहाँ पे जो नंबर है टोटल। और 47.9% यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है। देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है हिमाद्री की इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, 1.2 से 1.3, 1.6, 2.11 और 2.2 पे है फिलहाल सितंबर 2020 में। ये देखिए, राइजिंग ग्राफ है म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, तो म्यूचुअल फंड्स ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, नाम भी आपकी स्क्रीन पे है अब, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। और इस कंपनी में जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स ने, बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी। और यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए जो लेटेस्ट ट्रेडिंग हुई है वहाँ पे 1 रुपये 40 पैसे की गिरावट है, और लगभग 40 रुपये से थोड़ा सा कम यहाँ पे भाव है, 3.39% की गिरावट यहाँ पे। और एक नज़र डिविडेंड हिस्ट्री पे डालते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की, तो कंपनी ने 16 बारी डिविडेंड दिए हैं पिछले 18 सालों में, तो कंपनी बाई एंड लार्ज रेगुलर है डिविडेंड देने में। और जो लास्ट डिविडेंड था वो सितंबर 2020 में, जी हाँ दोस्तों, 2-3 महीने पहले ही दिया था। हालांकि डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.38% का है, लेकिन कंपनी रेगुलर है डिविडेंड पेमेंट में। कंपनी की स्प्लिट हिस्ट्री भी जान लेते हैं। कंपनी ने एक बारी अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट किया था नवंबर 2010 में, जब 10 रुपये ओल्ड फेस वैल्यू से नो न्यू फेस वैल्यू कर दी थी 1 रुपये। तो कंपनी ने स्प्लिट दिया है, लेकिन बोनस कभी भी नहीं दिया है कंपनी ने। और यहाँ पे जो पॉपुलर वोट्स हैं उनमें से 79% लोगों ने इसे बाई वोट किया है।
कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल जान लेना बहुत जरूरी है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है इज एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोल टार। तो ये कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के पास 5 लाख टन मेट्रिक टन पर एनम कोल टार डिस्टिलेशन यूनिट है वेस्ट बंगाल में, और वेरियस डिस्टिलेट्स ऑफ द प्लांट आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कोल टार पिट CTP। वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन ब्लैक भी बनाती है कंपनी, और अब ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में भी आने लगी है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और आपकी स्क्रीन पे है NSE की वेबसाइट, जहां पे हिमाद्री स्पेशलिटी, ये देखिए HSCL जो है उसको इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री में कैटेगराइज किया गया है। डेट ऑफ लिस्टिंग यहाँ पे बताई गई है 2007। PE रेशियो 23.38 का है। सेक्टर PE यहाँ पे 40.04। तो पीयर कंपैरिजन यानी आप इसको बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो जरूर सस्ती है PE रेशियो में यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 23 का PE है इस कंपनी का, बाकी जो कंपनीज है वहाँ पे 40 का PE है। और ये है BSE की वेबसाइट, हिमाद्री केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स आपके सामने, और यहाँ पे BSE में स्पेशलिटी केमिकल्स में कैटेगराइज किया गया है हिमाद्री को। और यहाँ पे जो हाई लो है 74 से 27 के बीच, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और मार्केट कैप है 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए यहाँ पे। और अब है आपके सामने हिमाद्री केमिकल्स की वेबसाइट, जहाँ पे कंपनी का प्लांट का एक ओवरव्यू है आपके सामने स्क्रीन पे, और ये नाइट ओवरव्यू है कंपनी के प्लांट का, लेआउट का। कंपनी बेसिकली एसेंशियली कार्बन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, कोल टार और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक बनाती है कंपनी। ये देखिए कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके पिक्चर्स, कार्बन ब्लैक जो इस्तेमाल होते हैं टायर्स में, तो ये ऑटो सेक्टर से जरूर इन्फ्लुएंस होती है। फिलहाल ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। नेफ्थलिन डेरिवेटिव्स ये सेकेंड प्रोडक्ट है कंपनी का। कोरोजन प्रोटेक्शन के जो केमिकल्स है वो बनाती है कंपनी, स्पेशलिटी ऑयल में है और विंड पावर जनरेशन। और ये देखिए HSCL का लार्ज स्केल बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है, जिसकी वजह से कंपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है और प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकती है। और कंपनी का 5 लाख मेट्रिक टन पर एनम का जो कोल टार डिस्टिलेशन प्लांट है इज द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड प्रोड्यूसेस कोल टार पिच ऑफ वेरियस ग्रेड्स एंड नेप्थलिन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन टू SNF, विच इज सल्फोनेटेड नेप्थलिन फॉर्मल डीहाइड एंड इज इंटीग्रेटेड विथ कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स। और यहाँ पे हिमाद्री स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करने वाली है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्पेशलिटी ब्लैक्स। मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाना चाहूंगा, जहां पे बोरोइंग्स में लगातार यहाँ पे कंपनी का इंप्रूवमेंट है। जो हाईएस्ट बोरोइंग थी, पीक बोरोइंग मार्च 2014 में लगभग 1360 करोड़ रुपए की, उसके बाद से लगातार यहाँ पे गिरावट है। और करंट बोरोइंग्स जो है 505 करोड़ रुपए की है, और कंटिन्यूस यहाँ पे कंपनी ने अपना नेट ब्लॉक यानी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो भी इंक्रीज किया है, 1475 करोड़ रुपए का है। और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो उनका प्लान है वो भी अभी जारी है, यहाँ पे 158 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जब वो कमीशन हो जाएगा तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। और ये है आपके सामने कंपनी की जो P&L प्रोफाइल है। सेल्स 700 करोड़ रुपए की थी कंपनी की 10 साल पहले मार्च 2011 में, अब वो सेल जो है कंपनी की 2422 करोड़ रुपए हुई मार्च 2019 में। लेकिन मार्च 2020 में कंपनी को डिप लेना पड़ा, क्योंकि जो लॉकडाउन था उसकी वजह से कंपनी के सेल्स में काफ़ी इम्पैक्ट आया। कंपनी को इन्वेंट्री लॉस भी लेना पड़ा, क्योंकि कंपनी कार्बन ब्लैक जो है वो क्रूड ऑयल प्राइस से रिलेटेड है, उसका डेरिवेटिव है, और क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने की वजह से कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यूएशंस भी कम हुई। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस फॉर हिमाद्री। कैश फ्लो देखना हमेशा बहुत जरूरी है, इनफैक्ट मैं प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ कैश फ्लो को। और कंपनी का कैश फ्लो बाय एंड लार्ज पॉजिटिव है एक्सेप्ट फॉर 2 ईयर्स। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है कंपनी का फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका इससे ये पता चलता है कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैनेजमेंट ने एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूटिलाइज किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्विकली आपको बताना चाहूंगा, ये आपके सामने मेरी वेबसाइट है CAPuneetJaju.com, जहाँ पे ये 4 प्रीमियम सर्विसेज के बारे में है। नंबर 1 फॉलो माई पोर्टफोलियो, नंबर 2 बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स, नंबर 3 डे ट्रेडिंग कॉल्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, एंड नंबर 4 ए कंप्लीट गाइड टू अर्निंग मनी इन स्टॉक मार्केट। इन सभी की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, और आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चाहें तो इन सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने इसी यहीं पे दिया है सी मोर में, बहुत ईजी है सब्सक्राइब करना।
देखिए दोस्तों, कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एवरेज है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे हिट लिया था, इन्वेंट्री लॉस से हिट लिया था, तो कंपनी का Q2 में परफॉर्मेंस जो है एवरेज है और Q1 में भी कंपनी का लॉस था। तो वो बातें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी को जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड नुकसान था वो जरूर झेलना पड़ा। यहाँ पे प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डिंग के बारे में, और डेट टू इक्विटी 0.34, काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है कंपनी की। डेट 3 साल पहले 774 करोड़ रुपए, अब 596 करोड़ रुपए। प्राइस टू बुक वैल्यू में यहाँ पे 6% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करिए, नहीं तो नहीं करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। सिर्फ मेरे कहने से मत जाइए, प्लीज़ आप अपना डिसीजन लीजिए। तो ये था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के बारे में। और अगर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो Edelweiss में खोल सकते हैं, लोएस्ट कॉस्ट ब्रोकर है। आप ये जो प्लान है Edelweiss लाइट, इसे सिलेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 10 रुपये है ब्रोकरेज, और 0.01% से शुरू होके मैक्सिमम 10 रुपये है। तो इंडिया का लोएस्ट कॉस्ट ब्रोकर है, ये प्लान लीजिएगा Edelweiss लाइट। Edelweiss इलीट को मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। दिस इज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए और सारा प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ 7 से 8 मिनट में, और आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद सबसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये नॉलेज सबके पास पहुंच सके, इस नॉलेज को हम सभी के साथ बांट सके। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स। जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो।